हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। लोकेशन एंड सिक्रीशन ऑफ लेडिक सेल्स आर। लेडिक सेल्स जो होते हैं इनका लोकेशन पूछ रहे हैं और सिक्रीशन पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर जब आप सेक्शन देखते हैं टेस्टिस का, उसमें टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स होते हैं और पर लॉब्यूल आपको 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मिलते हैं। ठीक है, ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं ये दो टाइप के सेल्स से लाइन होते हैं। वो दो टाइप के सेल कौन कौन से हैं? एक तो ये पिरामिडल शेप सेल मिल रहे हैं और ये जो नॉर्मल शेप सेल हम बना रहे हैं ये मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये जो पिरामिडल शेप सेल है इनको आप कहते हैं सर्टोलाई सेल्स। सर्टोलाई सेल्स। और ये जो आपको सेल नजर आ रहे हैं ये क्या होते हैं? मेल जर्म सेल। मेल जर्म सेल्स। ओके, और ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच का जो स्पेस है ना, ये इसे हम इंटरस्टीशियल स्पेस कहते हैं। और इसमें आपको कुछ अलग टाइप के सेल्स नजर आते हैं जिन्हें आप क्या देते हैं? लेडिक सेल्स। यहां पर हम बना देते हैं, ये हैं आपके लेडिक सेल्स। ये लेडिक सेल्स क्या सिक्रीट कर रहे हैं? एंड्रोजन्स। एंड्रोजन्स जैसे कि टेस्टोस्टेरोन। ओके, तो यहां आपसे पूछा है लोकेशन एंड सिक्रीशन ऑफ लेडिक सेल्स। तो लोकेशन क्या है? टेस्टिस, क्योंकि ये सेक्शन हमने किसका बनाया? टेस्टिस का बनाया। इसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल दिखाए 1, 2, 3। ओके, क्योंकि पर लॉब्यूल 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मिलते हैं। टेस्टिकुलर लॉब्यूल होते हैं ना, पर लॉब्यूल 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मिलते हैं। और उन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में आप दो टाइप के सेल्स देखते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच का जो स्पेस होता है इंटरस्टीशियल स्पेस, उसमें कुछ अलग टाइप के सेल नजर आते हैं जिन्हें हम लेडिक सेल कहते हैं, जो एंड्रोजन रिलीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पर दिया है लिवर कोलेस्ट्रॉल, ये इनकरेक्ट हो जाता है। आप जानते हैं लिवर बनाता है गुड कोलेस्ट्रॉल और सेंड करता है उसको अदर पार्ट ऑफ योर बॉडी जहाँ पर उसकी रिक्वायरमेंट होती है। ओके, और लिवर बनाता है लीपोप्रोटीन जो कैरी करते हैं कोलेस्ट्रॉल एंड अदर लिपिड्स थ्रू द ब्लड स्ट्रीम। आपका लिवर इंपॉर्टेंट है फॉर गेटिंग रिड ऑफ कोलेस्ट्रॉल थ्रू अ बॉडी फ्लूड और थ्रू अ फ्लूड कॉल्ड बाइल। ओके, तो वहां पर आप क्या देखते हैं? जो लिवर है वो इंपॉर्टेंट है फॉर गेटिंग रिड ऑफ कोलेस्ट्रॉल थ्रू अ फ्लूड कॉल्ड बाइल। यहाँ पर ये इनकरेक्ट हो गया है क्योंकि लेडिक सेल का लोकेशन तो लिवर नहीं है, ओवरी भी लेडिक सेल का लोकेशन नहीं है, पेनक्रियाज भी नहीं है। पेनक्रियाज से ग्लूकागॉन भी आता है, इंसुलिन भी आता है। ठीक है, हेटरोक्राइन ग्लैंड है पेनक्रियाज। ओके, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों ही पोर्शन है। पेनक्रियाटिक जूस जो डाइजेशन में हेल्प करता है, कुछ हार्मोन आते हैं एंडोक्राइन पार्ट से जो डिफरेंट डिफरेंट टारगेट ऑर्गन पर काम करते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये ग्लूकागॉन क्या कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ब्लड ग्लूकोज लेवल जो इंक्रीज कराता है। ओके, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन बन रहा है, टेस्टिस लोकेशन है लेडिक सेल का और टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन न्यू एनसीईआरटी क्लास 12 पेज नंबर 27 एंड 28 पर गिवन है। थैंक यू।